इस समय हम जौनपुर ज़िले में हैं। हमारे साथ किसान मोर्चा संघ के कुछ पदाधिकारी लोग मौजूद हैं। ये लोग लगातार जो है किसानों के हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये लोग, अपना परिचय बताइए। डॉक्टर मनोज कुमार यादव, महामंत्री भारतीय किसान यूनियन बदलापुर जौनपुर। तो आप लोग जो है किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये आप लोग किस लिए जो है जगह जगह घूम रहे हैं, अपना क्या प्रचार प्रसार कर रहे हैं? नहीं, हम लोग जो है जगह जगह गांव गांव सभी जगह जा रहे हैं। जो हमारे किसान भाई जो है इस अत्याचारी सरकार में परेशान हुए हैं, दिल्ली बॉर्डर पर धरना दिए हैं, हमारे किसान जो है शहीद हो गए हैं, उसी का जो है हम लोग गांव-गांव जाकर सब किसानों से अपील कर रहे हैं। आप लोग किसान हैं और जो है हमारे जो किसान भाई शहीद हुए हैं और अपना एक एक मत जो है अपना एक एक मत का प्रयोग करके इस किसान विरोधी सरकार को हटाना है और उन जो शहीद हुए वीर हैं उनको जो है सच्ची श्रद्धांजलि देना है। पिछले 6 चरणों का चुनाव हो चुका है, 6 चरणों में किसान लोग किस प्रकार जो है किसकी सरकार बना रहे हैं? हमारा किसान ना तो कभी हारा है ना तो हारेगा। किसानों से फंगा लेना इस बार हर सरकार को, भविष्य में जो भी सरकार आएगा वो पहले ये सोच लेगा कि किसानों से फंगा नहीं लेना है। और किसान इस बार इस सरकार को दिखा देंगे कि फंगा लेने का नतीजा क्या होता है, और किसान ही इस बार सरकार को बदल रहे हैं। आप बताइए, आप लोग लगातार जो है धरना प्रदर्शन किए दिल्ली बॉर्डर पे, और इस समय जो है आप जौनपुर ज़िले में आए हैं, अपना परिचय बताइए। हम भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारे 750 किसान शहीद हो गए हैं उनका बलिदान हम लोग खाली नहीं जाने देंगे। अब हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, जो इस सरकार को भगाएगा हम उसी को अपना बहुमत देंगे। इस बार आपका सपोर्ट किस पार्टी को है आप लोगों का? देखिए, हमारा सपोर्ट है, किसान एकजुट हैं, अपील की गई है और इस सरकार को हम भगा देंगे, और जो किसानों के हित में सरकार बात कर रही है उसी की तरफ उसी के पक्ष में है। किसानों के हित की बात कौन सी सरकार कर रही है? बस यही सरकार कर रही है जो किसान मोर्चा जुटा हुआ है जवानों को लेकर के बॉर्डर पर, और किसान भाई हमारे जो शहीद हो गए हैं हम उन्हीं की मदद कर रहे हैं चाहे जिस तरह से। हमारे साथ जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं राज बहादुर यादव जी, उनसे भी उनका भी विचार हम जानेंगे कि बताइए आप क्या कहेंगे किसानों के हक की लड़ाई के लिए। किसान, सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को धन्यवाद देता हूँ और सोशल मीडिया आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। और आज ये किसान होके तानाशाही से जंग लड़ते हैं। दुआ करो देशवासियों, सलामत रहे इन वीर किसानों की हिम्मत। यही किसानों का आंदोलन ही इनके हर अन्याय अत्याचार पे भारी होगा और किसान ही जंग जीतेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश में तो मुझे सीधा सीधा कहना है, नर पिशाच से देश बचाना सबकी जिम्मेदारी है। अभी किसानों पे प्रहार हुआ है, आने वाले समय में सबकी बारी है। दोनों हाथों से बेच रहे थे जो भारत माँ की थाती को, देख नहीं पाए किसान ऐसे कुलघाती को। भूमपुत्र के ऊपर, आप लोगों के ऊपर पानी की बौछार, तारों की कोयल, गोलियों की सुनामी, ट्रैक्टर चढ़ा देने कर मार देना, इतना बड़ा अन्याय, यह अन्याय केवल किसान नहीं देख पाए और निकल गए घर से। पूरे उत्तर प्रदेश में आज यही लगातार दौड़ रहे हैं और इस बार देख रहे हैं किसान अपने कंधे पर ये इलेक्शन लेके चल रहे हैं कि यह जीत किसानों की होगी। इसलिए मेरे भाइयों, मुझे राष्ट्र के लिए भी संदेश है, राष्ट्र लुट जाएगा आसार नज़र आता है। अब हुकूमत में बैठे हुए एक तरह से गद्दार नज़र आते हैं। राष्ट्र के खातिर यही किसानों ने लुटा दी जान अपनी, आज ये जो गद्दी पे बैठे इन गद्दारों को किसान गद्दार नज़र आते हैं। इसलिए आगे आने वाले समय में ऐसा इतिहास किसान बना के जाएंगे कि बिना किसान के कोई सरकार बन नहीं सकती। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इन महान किसान भाइयों को दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देता हूँ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। जौनपुर की है यह ललकार, नहीं चलेगा अत्याचार। जौनपुर की है यह ललकार, नहीं चलेगा अत्याचार।
भाजपा भगाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, भाजपा भगाओ देश बचाओ, देश बचाओ।